मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महारैली करेगी। पार्टी ने दावा किया है कि इस महारैली में करीब 1,00,000 लोग शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह सहित आपके कई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। महारैली को लेकर गोपाल राय ने शनिवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मान सम्मान को बचाने के लिए यह महारैली की जा रही है। केंद्र सरकार के काला अध्यादेश और तानाशाही के खिलाफ दिल्ली की जनता एकजुट हो गई। उन्होंने बताया कि आप कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से इस रैली से आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रैली में व्यवस्था में बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। 2011 में केजरीवाल ने रामलीला मैदान से जनता को संबोधित किया था। यह समय अन्ना आंदोलन का था। अब ठीक 12 साल बाद वे इस मैदान में किसी राजनीतिक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। हालांकि बीच बीच में उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया। आपका कहना है कि ये महारैली केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केजरीवाल लोकसभा 2024 के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।